इस दुनिया में कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहां से यहां पे आया, क्या है फसाना ये। बड़ा पलता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, क्यों हैरान क्यों लागे तू, परेशान क्यों लागे तू, क्यों हैरान क्यों लागे तू। और तू समझ तक अपने आप को, और नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। और मेरा नाम और मिर्जा लियाकत है, और मेरे नाम से परे परे बदमाश उनकी टांगें कांपती है। और नहीं छोड़ूंगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। मैं ख्वाब देख रहा था। क्या देख लिया ख्वाब में? वही दोनों, और दोनों मुश्तंदे मुझे ख्वाब में भी आके तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे। दफा करें उन दोनों को, आप नाश्ता करें। ऐसी दफा कर दूं मैं? मैं मिराज दीन के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि तेरा बेटा मुझे ख्वाब में भी आके छेड़ता है। लो, क्या फायदा? अब ख्वाब में भी आने पर कोई पाबंदी लगा सकता है भला? अब्बा, आप ना आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें, वो दोनों नहीं आएंगे ख्वाब में फिर। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है, यही करूंगा आंधा। अच्छा छोड़े, आए आप नाश्ता करें और दुआ करें अल्लाह से कि उनको नेक हदायत दे अल्लाह में। ओए हदायत भी पुत्र अल्लाह उनको देता है जो हदायत लेना चाहते हैं। ओए वो तो पता नहीं किस सोच में रहते हैं, हद ही हो गई है। अरे यार, हमें जूती छोड़। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लाज चोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। तू और लेट नहीं आ सकता था, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। अरे यार ट्रैफिक थी, ये क्या है? आलू गोश्त, हमेशा वहाँ खाना खाने का खर्चा होता है, मैंने सोचा घर से ले चलता हूँ। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अब जल्दी चल, वो चली जाएंगी सारी। चल 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 चल, अच्छा लग रहा है तू। चल चल, लेट्स गो। अरे भाई लड़ना बंद करो, मैं दे दूंगी पैसे, बस आने वाली है, चलो। मैं नहीं, मैं नहीं आई। चल कर, मुझे लगता है मैं गलत कॉलेज पकड़ लिया। तू देख, ये तो सारी बस वाली लड़कियां हैं, एक भी लड़की नहीं है जो कार में आती है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, आएगी आएगी, टेंशन है। अबे कब तक हम इस तरह सारा दिन यहाँ कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे, इनमें से भी हमें कोई नहीं देखती। अरे सलीम हिम्मत ना हार, देखेंगे देखेंगे। झूठी तसलियां मत दे मुझे, उस दिन हिम्मत करके छुमाला से बात की तो मुझे कह रही है तुम्हारी शक्ल तो मेरे मरे हुए भाई से मिलती है, ये कोई बात है कह रहे की? भाई ही कहा ना, तेरा दिल तो साफ है तो टेंशन किस बात की, तू चिल कर। क्या चल कर, यहाँ तो खड़े होकर पता चल गया कराची में कितनी बसें चलती है, कौन सी कब कहाँ कितने बजे जाती है। क्या तू तो ठीक ही रहा है, सारी लोकल असेंबली यहीं आती है। अबे अपने को तो लोकल भी चलेगी, लेकिन पैसे वाली तो हो यार। अरे नहीं नहीं, अपने को तो खूबसूरत चाहिए, गोरी चीटी खूबसूरत, ताकि जिसके साथ जाओ ना डेट पे तो नजर आए, पता चले। मुन्ना जब पैसा होता है ना तो रंग भी गोरा हो जाता है और आंखें भी नीली हो जाती है। नहीं नहीं, जेन्युइन जेन्युइन होता है यार, ऐसे नहीं होता। अपने आप को देख लिया कर, फिर इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें किया कर। जेन्युइन। अबे ओए, तेरे बाप की तो मिले चलती है ना, तभी पैसे वाली ढूंढ रहे हो, बहुत पैसा है तेरे पास। अबे तुझसे तो ज्यादा ही पैसा है, ज्यादा बकवास किया तो चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आ जाइयो पैदल फिर हलीम रोटी खाने। यार आलू गोश्त को तो हाथ ना डाल, चाय पिएगा?
केक रस खाऊंगा। अरे दो खिलाऊंगा, आ जा आ जा। पक्का ना आलू गोश्त था? हाँ। गुड बॉय, चल। वाह भाई, लंच बॉक्स दे दो, मैं जा रहा हूँ। तुम दुकान पर जाओ, मैं वहीं खाना भिजवा देती हूँ। अरे क्यों भिजवा देती हूँ भाई, तुमने तो रात से बना के रखा हुआ है, दे दो बस मैं ले आता हूँ। हाँ बनाया तो था, लेकिन वो दरअसल। क्या ये वो क्या हो गया, खैरियत तो है? वो तुम्हारा लंच बॉक्स सलीम ले गया, आलू गोश्त भी उसी को दे दिया, उसे पसंद है ना इसलिए। है? क्या खुदा ना खासा नौकरी लग गई क्या साहबजादी की? नहीं नहीं नौकरी नहीं लगी, वो दोस्तों के साथ जाता है ना, तो उसे बेचारे को खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है, तो आज मैंने उसे खाना साथ ही दे दिया। वाह भाई वाह, माँ हो तो आपके जैसी हो है? लड़का आवारा गर्दी करने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो इस ख्याल से कि कहीं खाना खाने के लिए घर ना आना पड़े, तकलीफ होगी, तो आपने उसे खाना बांध के दे दिया। वाह वाह भाई वाह वाह। तो कौन सी कयामत आ जाएगी अगर एक दिन होटल से खाना खा लोगे? कल से नहीं दूंगी उसे, बस खुश। अरे बजाय इसके कि उसका खाना बंद करो, तुम उसे टिफिन बना बना के दे रही हो। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी औलाद को खाना ना दूं, भूखा रखूं उसे? नहीं नहीं मुझे भूखा रख, मेरा खाना बंद कर दो। जो कमा कमा के ला रहा है उसका खाना बंद करो, और जो आवारा गर्दी में उड़ा रहा है उसको खाना लपेट लपेट के दो, बांध बांध के दो। अरे तो इसमें उसका क्या कसूर है? उसे नौकरी नहीं मिल रही बेचारे को, तो क्या करे वो फिर? कोई कसूर नहीं, उसका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारा है, जो उसको पैदा किया, उसको पाल पोस रहे। अरे मैट्रिक फेल को कौन नौकरी देता है आजकल? आजकल के चपड़ासी भी बीए पास होते हैं। हाँ अगर किसी चपड़ासी के भी असिस्टेंट की नौकरी निकल आए तो शायद हमारे लौंडे को मिल जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे इसमें भी ना कसूर तुम्हारा ही है। अरे वो गया तो था दुकान पर, उसे डांट डपट के भिजवा दिया, वहां रहता कुछ दिनों में काम सीख जाता, तुम्हारा हाथ बटाता वो। यही सोच के ले गया था दुकान पे कि कल को कुछ काम सीख जाएगा तो हाथ बटाएगा, लेकिन नहीं, पता चला हाथ बटाएगा नहीं, हाथ कटवाएगा। अरे दो दिन में 3,500 रुपए गायब हो गए दुकान के गल्ले से, और पूछा कहाँ गए पता नहीं अब्बा। अरे दो दिन और जाता तो दुकान पे ताले पड़ जाते, ताले। बस तुम तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारे उस नाकारे बच्चे पे, और अब मेरा खाना उसको देने वालों पे भी। क्या बोरियत है, कुछ नहीं कर देख 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 12 लाइक्स आ गए। अरे ये कौन है अरुज 1 2 3 4? अबे होगी कोई पैन अपनी? अरे अरे इमली आ रहा है, चला तफरी अभी दफा कर। अरे उठ उठ दफा रहता है। अरे मान लेना, आजा 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 आजा। ओए 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 ये क्या बदतमीजी है, बता दो। अबे रहने दे यार, डॉक्टर खुद बताएगा, चल चल चल। ओए 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 क्या बताना है तुम लोगों ने, बताओ मुझे क्या बात है। चाचा इमली तूने शुगर का टेस्ट कराया था? इमली मुझे इमली क्या था, ओए तू खुद इमली, तेरा बाप इमली, तेरा चाचा इमली, तेरा पूरा खानदान इमली, ओए गुठली के मुंह वाला बता मुझे क्या बात है। अरे चाचा काम की बात तो सुन लो, तुमने शुगर का टेस्ट कराया था या नहीं? हाँ कराया था, तुझे क्यों बताऊं, तू मामा लगता है। चाचा इमली तुम्हारी शुगर की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, तुम्हारी शुगर को कैंसर हो गया। यार मैंने कहा था ना ना बता, हाय अब बेचारा मर जाएगा, 1 महीना बस। एक महीना? अरे चाचा इमली कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, मैं मोहल्ले वालों को बता दू, ताकि फिर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो भी पूरी करना चाहे सब बिस्मिल्लाह। एक महीने के बाद मर जाऊंगा। अरे यार सलीम मैं तो यही सोच रहा हूँ, ये मरने के बाद कैसा लगेगा, ये तो अभी भी मरा हुआ लगता है ना। अरे चाचा वो भी बहुत है तुम्हारे लिए, 1 महीना, अपनी हालत तो देखो तुम, फिक्र मत करो, जहाँ कहोगे वहाँ कवर बुक करा देंगे, बहुत गौर करी थे दोस्त है। चलो ख्याल रखना, ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, स्टे स्पाइस।
मैं बचूंगा, मैं बचूंगा, बचूंगा, मैं बचूंगा, मैं बचूंगा, एक भी मैं बचूंगा यार, मैं बचूंगा। अब्बा, अब्बा क्या हुआ? मैं ना एक महीने में मर जाऊंगा। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? वो जो मैंने टेस्ट कराया ना, उसमें मेरी शुगर को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक महीने में मर जाऊंगा। कैंसर? शुगर? शुगर को कैंसर? वो मैंने शुगर का टेस्ट कराया था ना, उसमें निकला कि मेरी शुगर को कैंसर है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा टेस्ट, कब कराया आपने? मुझे क्यों नहीं बताया? किस डॉक्टर ने कहा है आपको ये? मैंने तो टेस्ट कराया ही नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे अब्बा, कब कराया आपने टेस्ट? पिछले महीने जो कराया था उसमें तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई थी, अब क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो मैंने टेस्ट कराया ही नहीं है तो फिर मेरी शुगर को कैंसर कैसे हो सकता है? तो फिर ये जो दोनों लफंगे हैं ना, इन्होंने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं सारे रास्ते रोता हूँ कि मेरे पास मेरी बेटी का क्या होगा। बहुत करते हैं आप भी, उन दो आवारा ने बोला और आपने मान ली। ये जो राशिद है ना, वो इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये जो सलीम है ना, इस सलीम के बच्चे को मैंने नहीं छोड़ना। मैं इसके बाप के पास जाऊंगा, उसे पूछूंगा कि औलाद को ऐसी तबीयत दी जाती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी हमसे, जब देखो हमारी जिंदगी अजाब करते रहते हैं। दुश्मनी क्या होनी है बेटा, हमारे ना कोई आगे है ना पीछे है, ना हम पैसे वाले हैं, इसीलिए तो हमारा तबा लगाते फिरते हैं ये दोनों। कोई बात नहीं अम्मा, एक दिन अपना दिन भी आएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करे आए इंशाल्लाह। छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? अबे अब्बा ने कुट लगाई है बुरी तरह से। अबे वो मिर्ज़ा इमली नहीं है? उसने अब्बा को सब कुछ बता दिया कि हमने उसको बेवकूफ बनाया था। अब्बा को तो दिमाग चल गया, अब्बा ने टोपी पहना के उसको वापस भेजा है, वरना वो तो डंडा लेके अब्बा का सर फाड़ने आ गया था। यार अपना ठीक है ना, यार कोई अब्बा है ना कोई डंडा, अपन ठीक। लेकिन मिर्जा इमली ने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। हाँ, बेटा इसका हिसाब बराबर करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अभी तो उसने बोल दिया, अब ये मेरा बाप मुझे एक हफ्ते तक सुनाता रहेगा। इस मिर्जा के तू देख कहाँ जा रही हो, हटो सामने। तुम्हारे बाप मिर्जा इमली ने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, बता देना उसको। अब्बा के बारे में तमीज से बात करो, बता दू। अच्छा क्या कर लोगी तुम, कर लो। अरे यार ना कह कुछ, अमीर लोग है बहुत, साल में एक जोड़ा सिलवाते, सारा साल पहनते, वेरी नाइस। नाइस? अबे मैं तो सुन रहा था इस बार अम्मा से कहूं कि इस साल का फितरा ज़कात मिर्ज़ा इमली के घर भेज दे, इस साल 200 बना लेंगे। तो कितना नेक है रे, है ना? देखा मेरा दोस्त, समझा दे रहा मिर्ज़ा इमली को, मेरे दादा पंगाबाजी मत करे, समझी? बदतमीज, फटो। ये टीचर है क्या, बार बार तमीज सिखाती रहती है। हेलो मिया, मेरा क्या कसूर है? गरीब होना कुछ जब मैं क्या, मैंने तो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया, मेरी मर्जी तो नहीं है। मेरी मदद करना, मुझे हिम्मत देना, मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही है, मुझे हिम्मत देना मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं, मेरी मदद करना।
बोलता रे, तुम इस तरफ अचानक से? इसी को तो सरप्राइज कहते हैं। कैसे लगा मेरे सरप्राइज? बहुत अच्छा। बस कर दो, नॉर्मल भी हो जाओ अब। नहीं, वो मैं सोच रही थी तुम तो इतनी बिजी होती हो तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? हाँ, वो एक हफ्ते की छुट्टी मिली मुझे यूनिवर्सिटी से, इतने सालों से मिली नहीं थी, उदास भी हो रही थी, तो सोचा मैं जाके मामू जान से तुमसे मिल लूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा की आ गई। और फूफो कैसी? अम्मी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। और काशिप भाई कैसे? काशिप भाई अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा चलो तुम्हारा अंदर आ जाओ, बहुत थक गई हूँ मैं। चलो आ जाओ। हाँ भैया, क्या सोचा तुम्हारे लड़के ने मुस्तकबिल में कुछ करना कराना है या सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों में पलता रहेगा? अरे तो इसमें उसका क्या कसूर है, कितनी कोशिशें तो करता है, नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करे बेचारा। देखता हूँ मैं, गली के नुक्कड़ में बैठ कर जितनी कोशिशें करता है सब देखता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी करवा दो उसकी। हाँ, शादी करा दो उसकी और किसी मासूम की बद्दुआ ले लो। अरे इस नाकारा से कौन शादी करेगा? और अगर तुम्हें इतने शौक है ना अपने बेटे की शादी करने का तो अपनी बहन से बात करो, भांजी से करवा दो शादी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी भांजी को फालतू नहीं है, तुम्हें इतना शौक है ना तो बात करो अपने भाई से अपनी भतीजी के लिए, मुझे भी कोई एतराज नहीं। अरे अल्लाह का नाम लो, मेरी इकलौती भतीजी है, बेटियों की तरह पाला है मैंने उसे, इस भेड़िए के सामने लाकर डाल दूं लाहौल वाला कुआं? हां तो मेरी भी भांजी को फालतू नहीं है, भांजी से करवा दो। वाह, अच्छा देख लूंगा मैं, खुद देख लूंगा क्या करना है। ओए, चाय बढ़िया ना बनाती है मेरी बेटी, है ना जबरदस्त। ये बताओ बेटा कि वो काशिप दुबई में क्या कर रहा है आजकल? भाई ने आजकल सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है, बस उसी में मसरूफ रहते हैं आजकल। 100 फुट का हाउस बना लिया वो भी दुबई में? बड़ी बात है, बड़ी बात है बेटा। हाय अल्लाह अब्बा जी, ये वो घर वाला हाउस नहीं है, कंप्यूटर वाला हाउस है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्यूटर वाला यार, ये भी बड़ी अच्छी बात है ना। मामू जान हम बहुत मजेदार बातें करते हैं। करता क्या हूँ बेटा, हो जाती है, लोग समझते हैं कि मैं करता हूँ। अच्छा लारेफ सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें हमारा मोहल्ला कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा, सब एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। मामू जान दुबई में तो ये तक पता नहीं होता कि आपके बराबर में कौन रहता है। हाँ बेटा जी, इस लिहाज से मजा मजा बहुत अच्छा है, सारे जो हमसाए ना एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, बस सिवाय वो दो मुश्तंदे जो है ना, और सारा दिन हमारी गली के नुक्कड़ के सामने ना वो चबूतरा सा है, वहां बैठे रहते हैं दोनों बंदर, हर आने जाने वाले को इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं बेटा। बस तुम बाहर निकलोगे ना तो जरा उनसे बच के रहना। अब जी छोड़े ना, कोई और बात करो। और बात तो बेटा मेरे पास कोई नहीं है, तो तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं तो अपना एक काम कर लूं, मुझे याद आया है? जी मामू जान आराम से रहिए। अच्छा बेटा, अच्छा सईदा, क्या हुआ, तुम हम दोनों का नाम सुन के इतने परेशान क्यों हो गई हो? वो हमारे मोहल्ले के बदमाश और बदतमीज लड़के हैं, उनका बस एक ही काम है मेरी और अब्बा की जिंदगी अजाब करना। उन्होंने घर से निकलना मुश्किल कर दिया। अरे रो क्यों रही हो, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? पता है उस दिन अम्मा की तबीयत इतनी खराब थी और मैं दवाई लेने गई थी, उन्होंने इतनी बदतमीजी की। भाई सलीम, ए वो आने वाली, रेडी हो जा। अबे मैं रेडी हूँ पहले से। गुड, मैं एक दो तीन कहूंगा तो बस पानी फेंक दे, डन डन चल। अरे आ गई चल। ए सलीम, रहने दे यार, बुरी बात बकवास बनकर मैंने बदला लेना उससे, चल
तू है ही नीच। हाँ, तू जा, मैं एक दो दिन बोलता हूँ, जा। चल प्लान तो निकाल, चल रेडी, चल चल चल, मैं जा रहा हूँ। चल चल चल, ना कर यार सलीम, ना कर यार, मत छू मुझे, मत छू मुझे सलीम, नहीं। सलीम तुमने तो छू लिया। मैं जानती हूँ सईदा, तुम बहुत बाहें मत लड़ती हो, ये खौफ वक्ती है, इसको दिल से निकाल के बाहर फेंको। तुम्हारे दुबई में भी ऐसा ही होता है? अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन दुबई में इन लोगों के लिए सजा बहुत सख्त है। हैं? वैसे अगर तुम कहो तो मैं इनको सबक सिखा सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, वो पता है तुम तो चली जाओगी फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तुम बहुत ही सीधी हो, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो फिर देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जा रहा है सुबह सुबह तैयार हो गए? अब्बा कहीं नहीं, वो राशिद है ना, उसे नौकरी की बात की है तो उसे मिलने के लिए जा रहा है। हाँ हाय, वो तो खुद बेरोजगार है, वो क्या तुझे नौकरी दिलाएगा भला? हम दोनों की नौकरी की बात की उसने अम्मा। किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने होगी नौकरी तुम दोनों की? अरे नहीं अब्बा, जूते की फैक्ट्री है, वहां जाना है। फिर तो जूते खाने की नौकरी होगी, तेरा तजुर्बा तो इसी बात का है बस। अच्छा पहले नाश्ता कर ले फिर चला जाना। तुम्हें लगता है ये वाकई में नौकरी करने जा रहा है? अरे इस निकम्मे को कौन नौकरी देगा, जो अपने बाप की सजी सजाई दुकान न संभाल सके वो नौकरी करेगा? अब्बा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आटा दाल चावल मैं नहीं बेच सकता। अबे तो छोड़ देना दाल आटा चावल खाना, खाना नहीं छोड़ता, बस बेचूंगा नहीं। अम्मा तुम देख रही हो मेरा तो खाना पीना बंद करने पे आ गए ये। अबे मेरा बस चले ना, तो कल का बंद करता आज बंद कर दूं। एहसान मान अपनी माँ का जो मुझे रोक लेती है, लेकिन मैंने भी सोच लिया बेटा तेरा एक ही हाल है। कैसा हाल? अब इस पे मेरे जूते का असर नहीं होगा, यदि किसी और के जूते खाएगा ना तभी इंसान बनेगा आदमी। ये क्या क्या कर गए, अब लौंडों से पिटवाएंगे मुझे? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आएंगे ना तो खुद ही पूछ लेना। चला पहले नाश्ता कर, बैठ इधर बैठ। क्या अम्मा अंडा नहीं बनाया तुमने? अभी बना के लाती हूँ तेरे लिए अंडा, तू शुरू तो कर नाश्ता। जी यहाँ तो हवा नहीं चल रही। खालू? कौन खालू? मिर्जा लियाकत। मामू जान वो घर पे नहीं है, जरा बाहर काम से गया है। आपको पहले तो कभी आ नहीं देखा। जी मैं इनकी भांजी हूँ लारे, दुबई से आई हूँ। दुबई? वहां तो सब अरबी बोलते हैं ना। जी एक ही दुबई है, वहाँ सभी अरबी बोलते हैं। मैंने मूवी में देखा है, क्या खूबसूरत मुल्क है। आप भी अरबी बोलती हैं? नहीं जी मैं सिर्फ उर्दू और इंग्लिश बोलती हूँ। नाम बता दे। मिर्जा लियाकत। आपका नाम भी मिर्जा लियाकत है? मेरा नाम? तुम शायद दुनिया की वो पहली लड़की हो जो मुझसे मेरा नाम पूछ रही है, वरना लड़कियां तो हमेशा मेरा फोन नंबर मांगती हैं।
तो लिख लो 03 अरे तेरे भाई की तो लॉटरी लग गई। क्या मतलब? अबे मिर्जा की भांजी है, लारिब नाम है, दुबई से आई है। दुबई से? हाँ, वो ही दुबई जो फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन ये क्या मतलब? मेरी लॉटरी लग गई? लॉटरी तो मेरी भी लग सकती है, तेरी क्यों? अबे ऐसी जोश में कह दिया, नाराज क्यों हो रहा है? देख सलीम, लड़की के चक्कर में धोखा ना दियो। हाँ, डिसाइड हुआ था दोनों ट्राई करेंगे, जिसने सेट कर ली उसकी। एक काम करते हैं, टास्क करते हैं। हाँ, चांद तारा है जिसका वो पहले जाएगा। ठीक ठीक, ये 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 ले कर कर कर। हाँ, चांद तारा मैं जीत गया, अब मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अम्मा खाना दे दो। ला रही हूँ ला रही हूँ। बड़ी कमाइयां करके आ रहा ना तू, रात ही खाना चाहिए तुझे। बूटों की फैक्ट्री में नौकरी हो गई तेरी? अब्बा उन्होंने तो किसी और को रख लिया, वो राशिद ने बात की, दवाइयों की फैक्ट्री है, वो रख लेंगे। हाँ भाई, तेरी डिमांड ही इतनी है, सारी फैक्ट्रियां मरी जा रही हैं तुझे नौकरी देने के लिए। अरे बस भी कर दो भाई, बच्चा अभी थका हारा आया, आते ही सवालों की बौछार शुरू कर देते हो। खाओ मेरा। चुप कर जा तू, बड़े पहाड़ तोड़ के आया ना तेरा बच्चा। बात सुन ले भाई, कल घर पे रहियो, कुछ लोग आ रहे हैं तो देखने के लिए। क्या अब्बा, उस पे टिकट लगा दिया क्या? काश तेरे अंदर को ऐसी बात होती, ये टिकट लग सकता तेरे ऊपर, तेरे पास से दो पैसे आ जाते घर में। अरे बेटा, कल लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, एक जगह तेरे रिश्ते की बात चलाई है। क्या कह रही हो अम्मा, लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो बाप लगता है हमारा, अब तो सब पूछ के होंगे इस घर के फैसले। अरे अब्बा मुझे कुछ तो बताए, लड़की कौन है, लड़की का बाप करता क्या है, कितना कमाता है? क्यों भाई, तेरी शादी लड़की के बाप से हो रही है क्या? मैं बताती हूँ, तेरे अब्बा की जो दुकान है ना, उससे दो दुकानें छोड़कर गुफरान जनरल स्टोर वाले हैं ना, उनकी बेटी से तेरी बात चला रहे हैं रिश्ते की। क्या, जनरल स्टोर वालों की लड़की? जनरल स्टोर वालों से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अबे क्या तू खुद क्या जनरल स्टोर वालों की औलाद नहीं है क्या? अब्बा मैं मर जाऊंगा लेकिन जनरल स्टोर वालों से कभी शादी नहीं करूंगा। अम्मा तुम तो जानती हो जनरल स्टोर वाले मुझे जहर लगते हैं। क्या क्या गया हमको ये? हाँ हाँ, इसे तो बोलना ही नहीं चाहिए था, भुगत तो मैं रही हूँ। सलीम, जनरल स्टोर वाले में शादी नहीं करेगा। अरे इतनी सुबह सुबह, तुझे पक्का पता है क्या वो जॉगिंग करती है सुबह सुबह? नहीं, जॉगिंग का सूट पहनकर घास काटने जाती। अरे यार मैंने खुद देखा। तेरा भी तो कुछ पता नहीं, तुझे सारी लड़कियां एक जैसी लगती है। हाँ हाँ, मैं तो अंधा हूँ, सिर्फ तुझे दिखता है। वो देख, आ गई, मैंने कहा था ना, गुड लक। कौन सी लग रहे? हाँ बहुत प्यारा, जा गुड गुड, पकड़ ले पकड़ ले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। पहचाना जी? अरे मैं उस दिन आया था मिर्जा खानू से मिलने के लिए, दरवाजा तो तुमने ही खोला था। ओह यस, वाओ, इंग्लिश, ओके लेट्स टॉक। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मामू जान से मिलने जा रहे हैं, चलें? अरे नहीं, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। बताइए। पता नहीं, उस दिन जब से तुम्हें मैंने देखा है, दिल की कुछ अजीब सी हालत है। तो किसी दिखाया डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को? वही तो कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है दिल ही दिल में तुम भी मेरे ख्वाब देख रही हो, और ये बात मुझे पता है। आई लव यू टू। चलो साथ जॉगिंग करते हैं। कम इडियट। अरे अरे माला डांस। अबे यार तुझे क्या हो गया, क्यों देवदास बना हुआ है? कुछ नहीं। ठीक है तो मैं भी ऐलान करता हूँ कि मैं आज अपने दोस्त के लिए दस्तबरदार होता हूँ, आज से लारेब तेरी, और मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। एक मिनट एक मिनट,
अंधी लगी हुई है क्या? मैं ना सही, मेरा भाई सही, ये आज सब कुछ क्यों हुआ है? इसकी वजह मुझे पता चल गई है। क्यों मारा था पर? अबे क्योंकि वो तुझे पसंद करती है। क्या कह रहा है ये? उसने कहा है? तुझे याद है जब हमने पहली बार लारिब को देखा था? हाँ। वो चलती भी जा रही थी। हाँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुझ पे पड़ी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तू ही है। उसके मुंह से तेरा नाम निकल गया। क्या? हाँ। उसने मुझसे कहा कि मैं चौधरी राशिद की अमानत हूँ। वो मेरा नाम भी जानती है? अबे उसको तो तेरे बाप का नाम भी पता है, वरना चौधरी क्यों कहती? क्या कह रहे यार सलीम? और मुझ कमकल को देखो, ये सच्चाई जानते हुए भी मैंने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन वो तो तेरी है। ना कर। क्या तुम? वो तो मेरी है। तुझे कल जाके उससे बात करनी चाहिए, नहीं तो तेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह जाए। आगे जा। इतनी चल चल चल। हेलो जी। हाय जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इतनी लंबी उम्र है ना आपकी, अभी आपको ही याद करी थी मैं। सच्ची? मुच्ची। सलीम सही कह रहा था, आप तो मुझे बहुत चाहती। मुझे यकीन था सलीम ने यही कहा होगा। तो वॉक पे चले। अरे आपने तो प्रपोज भी नहीं किया मुझे अभी तक। मैंने तो प्रपोज ही नहीं किया और आपको वॉक पे कह रहा हूँ। मैं भी कितना पागल हूँ, मैं प्रपोज करता हूँ। डन, चलो। चीज सुनाइए मेरे रांचा। तो सुनो लारे, आ ना फिर। सलीम, So, Captain is just 5 minutes away. सईदा, तुमने बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया है कि अब किसी लड़की को देखते हुए वो 100 दफा सोचेंगे जरूर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने उनको मारा है जाके। काश मैं भी वहां पे होती। उनको भी पता नहीं चला होगा सब इतनी जल्दी में हुए, उनको समझ ही नहीं आई होगी हमारे साथ हुआ क्या है। लारिब, पता है तुम्हारी बातों से ना मुझे बहुत सहारा मिला है। मैं पता है बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, वरना पहले तो घर से निकलने से पहले 10 दफा सोचती थी मैं। थैंक यू। यू वेलकम। तुमने ना कभी भी खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जितना तुम खुद को कमतर समझोगी उतना ही खुद से एतमाद खो बैठोगी। तुम कमतर नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, तुम लाखों में एक हो। इसलिए आज मेरे जाने के बाद एक नई सईदा पैदा होगी जो पूरा एतमाद होगी, जिसको खुद पर भरोसा होगा। इंशाल्लाह। पक्का? पक्का। अरे बेटा तुम्हारी तैयारी हो गई है ना? मैं ना जाके टैक्सी लेके आता हूँ, तुम्हें ना एयरपोर्ट छोड़ने चलते हैं। नहीं मामू जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑनलाइन टैक्सी मंगवा ली है, बस आती हूँ। ऐसे कैसे बेटा, हम खुद जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, है ना? 2022 है मामू जान, ऐसे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मामू जान आपने एक हफ्ता इतना ख्याल रखा है, इतनी केयर की है मेरी, आपको इतनी तकलीफ दी है मैंने, हम मजीद नहीं प्लीज। कहाँ ख्याल रख सके हैं बेटा हम, तुम तो ऐसे ही हमें शर्मिंदा कर रही हो बस। और हाँ, अब आप लोग आएंगे वहाँ। हम कैसे आ सकते हैं? क्या मतलब कैसे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? और मुझे यकीन है तुम आओगी। अच्छा चलो इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा बेटा ठीक है के? अरे गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई, चलो चलो आओ बेटा, आओ आओ, भी मैं पकड़ लेता हूँ। ओए वो बराबर नहीं है ये तो, मैं तो किसी इसके ले जाता हूँ। तो बहुत ख्याल रखना है तुमने।
हाँ तुम भी चलिए मामा जान। हाँ हाँ ध्यान से आजो आजो दाफेस। हाँ सलीम बोल। अबे जल्दी से गली में आ। अबे क्या हो गया यार? अबे मिर्जा गुजर गया, जल्दी से गली में आ। नौकर यार कब कहाँ? अबे मैं मिर्जा के घर के बाहर खड़ा हूँ, उसके घर के बाहर कोई 200 बंदा खड़ा है, तू जल्दी आ। मिर्जा निकल गया ऊपर। आता हूँ पांच मिनट। हाँ आजा। मैं मिर्जा ये तो अल्लाह की मर्जी है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होके मिलता है। नहीं भाई यार, बड़ा अफसोस हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे मिर्जा साहब। हाँ भाई साहब बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी बता। हाँ लेकिन जो अल्लाह को मंजूर जिसने जब जाना है तब जाना है। खैर वो क्या जो आएगा वो जाएगा। सही हाँ। सही कह रहा है, सही कह रहा है। बावले हो गए दोनों, कौन मर गया? मिर्जा। मिर्जा दिमाग सटिया गया तुम दोनों का? 3 करोड़ की लॉटरी लगी है उसको, बॉन्ड निकला है उसका प्राइस बॉन्ड, और ये जो रश लगा हुआ है ना मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, तुम दोनों जो है ना आवारा गर्दी करते रहो मोहल्ले में। चल मिर्जा। मैं तो पता ही खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ पुत्र। मैंने ना जिन जिन के कर्जे देने थे ना वो सारी लिस्टें बना ली हैं। अब्बा जी बहुत अच्छा किया आपने, मैंने भी अपनी लिस्ट बना ली है कर्जों की। तेरे पे कौन सा कर्ज है? बस छोड़े अब्बा जी, था कोई कर्ज, अब तो आया है वक्त चुकाने को। बड़ी अच्छी बात है पुत्र, सब पे कर्जा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया तूने। और एक और बात बताऊ तुझे मजे की, मैंने नई गाड़ी भी मंगवा ली है, रात को पहुंच जाएगी, और मैंने ड्राइवर का भी बंदोबस्त कर लिया है। अब मेरा बेटा तूने जहां भी जाना होगा ना तूने गाड़ी में जाना है या तशन के साथ। ठीक है पाजी। मैं अब थक गया हूँ, मैं आराम करने लगा हूँ। ओके ओके बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जो लारेब शुरू करके गई थी उसको खत्म मैं करूँ। दिमाग से लागे तू जो है राखू, लागे तू परेशान क्यों, लागे तू है राखू, लागे तू। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। मिर्जा साहब खैरियत, आज कैसे तकलीफ कर लिया आपने? बड़ी बात है भी, बड़ी बात है। कभी कहते थे ओए मिर्जा, ओए आज मिर्जा साहब
बड़ी तब्दीली आई है भाई, शर्मिंदा कर रहे हैं। दुकान भी अच्छी सजा ली है, डब्बे डुब्बे काफी बदा लिया तूने, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। अरे की शर्मिंदा कर रहे हैं, आप हुक्म करें क्या करूँ आपके लिए। ओ कुछ उधार था गए वक्तों का, तो मैंने सोचा कि चलो वो उधार उतारते हैं। कितना को होगा मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से कुछ 6.75 बनता होगा। ऐसे होगा, कोई याद नहीं सही से मुझे। अच्छा चले काम करें ना यार, आप यूं करें कि वो ये 8,000 रुपया आप ये 8,000 रुपया रखें, इसके अंदर अंदर ही होगा ना हिसाब। 8,000 रुपये मेरे साहब कम, मैं तो और दे दूं। नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो ज्यादा है ये। ज्यादा तो कोई बात नहीं, वो चले कुछ ऐसा पी लेना यार, ऐसे धक्के 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 कुछ नहीं होता। हाँ अच्छा, ये लिस्ट है अभी मेरे पूरे महीने के घर के सामान की, ये इरशाद के आता रहा भिजवा देगा, जो भी बिल बनेगा ना वो भेज देना, मैं भिजवा दूंगा। इरशाद जैसे ही आता है मैं फौरन भिजवाता हूँ। चलो ठीक है ठीक। अरे साहब वो कहीं जा रहे हैं? नहीं तो मैं क्या गाड़ी पे आए थे। ओ यार मिदाज दिन, वो जब से गाड़ी ली है ना, वो मेरा पैदल कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। मैंने तो इधर भी जाना हो ना तो गाड़ी पे ही जाता हूँ, ठंडी ठंडी गाड़ी बड़ा मजा आता है। ले फिर मैं गाड़ी जा रहा हूँ, घर पे ही होऊंगा, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ मैं। इरशाद को कहना बस जल्दी से ले आए सौदा सारा। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज। हाँ चल भाई निकाल गाड़ी। जाओ ना बेटी तुम अंदर जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ। खालू क्या हाल है, आप क्यों उठा रहे? अरे मुझे दे रहा। खालू ओ बड़ी जल्दी रिश्ता बदला तुमने, है कहाँ गया वो तुम्हारा इमली चाचा है, चाट लिया इमली चाचे को। तो मजाक बड़ा करते हैं। मजाक तो मैं भी करता हूँ ना फिर। बस अब एक लफ्ज और नहीं, अब आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं उठानी। मैं हूं ना, कोई भी काम हो आपने बस मुझे याद करना, मैं हाजिर। आपने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल, आपने सिर्फ मेरा नाम लेना सलीम, आपने सोचा सलीम और सलीम हाजिर। मैं सारा वक्त आप चबूतरे पे होता हुआ। ओए हाँ तो चबूतरे पे और बैठता कौन है इस मोहल्ले में, ओए वहां तो कुत्ते नहीं बैठते हैं, और तुम लोग सारा दिन अवारा गर्दी करते रहते हो, आके वहां बैठ जाते हो, पता नहीं किस किस को तारते रहते हो तुम लोग। अच्छा बातें छोड़े अंदर चल भैया, और भी सामान है ना। दे दे दे, निकाल निकाल फिर। चल शाबाश, चल जा ध्यान से, चल ना आ रहा हूँ मैं, और तू गाड़ी साफ कर अच्छी तरह। हाँ एक पानी मिलेगा? पानी क्यों? नहीं नहीं और कुछ नहीं। कोल्ड ड्रिंक लाइक। इतनी कम
शुगर ना हो जाए ना। सईदा अब देखो, तुम्हें कोई भी काम हो तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है, फिक्र मत करना, सारे काम हो जाएंगे और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, परेशान नहीं होना, मैं हर वक्त तो यहाँ हूँ तुम्हारे चबूतरे पे। कोई भी काम हो फिर मुझे याद करना। बिल्कुल, और कहूंगी तो किसको। एक काम करो, ये अपना फोन नंबर लिख दो ना इसमें, मैं तुम्हें बेल देता हूँ तो फिर तो मुझे बुला लिया करना। अच्छा। रात के 3 बजे भी कोई काम हो ना मुझे बुला लेना मैं। अरे 3 बजे भी? मैं तुम्हें बेल देता हूँ, बल्कि एसएमएस कर देता हूँ सलीम लिख के, ठीक है? सलीम सुने, अगर मैं आपको रात को कॉल करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हम ढेर सारी बातें करेंगे। You can call me. चलें, मैं चलती हूँ। ओके, एक मिनट। अबे आज पहली बार सईदा को करीब से देखा है, क्या लग रही थी ईमान से, क्या हाइट, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये पलके, और सोच ऊपर से 3 करोड़ रुपए भी। तू कहना क्या चाह रहा भाई? कहना ये चाह रहा हूँ कि ट्राई करें, सिर्फ सोच, उसमें दोनों खुसूसियात है, खूबसूरत भी है और अमीर भी, जिसकी लॉटरी लग गई उसकी जिंदगी बन गई। सलीम एक बात बताओ यार, अपने को तो पहली नजर में भाग गई थी यार वो, कसम से। अब मेरी बात कान खोल के सुन, इस लड़की के साथ प्लान जरा मुख्तलिफ होगा, इस बार बारियां नहीं करेंगे, इस बार दोनों एक साथ अटैक करेंगे, काम एक साथ होगा, तू क्या करेगा मैं तुझे नहीं बताऊंगा और मैं क्या करूंगा मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, जिसकी लॉटरी पहले लग गई दूसरा खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, बोल मंजूर? मंजूर। डन। पिछले साल ईद पे जो आपने वो पीला शलवार कमीज पहना था ना, बस मन मिटी थी आपको। बस कर दो, बस कर दो, पगली रुलाएगी क्या? तुम मुझे इतना चाहती हो और मुझे पता भी नहीं। बस एक बात अच्छी नहीं लगती मुझे आपकी। वो क्या? आप इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम हैं, ये राशिद आपके साथ क्यों बैठता है? अरे बस बेचारा अच्छा लड़का है, दोस्त है, अम्मा अब्बा उसके पंजाब में रहते हैं, यहाँ कोई है नहीं, कराची इतना बड़ा शहर है, मैं बस उसको ऐसे ही सहारा दे देता हूँ। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, शक्ल से कंगला लगता है। अरे क्या खूब पहचाना, एक नंबर का कंगला है साला, मैंने तो उसके कमरे का किराया भी दिया था पिछले महीने का। अल्लाह सलीम क्या हो गया आपको, आप अब मुझसे वादा करें आज के बाद आप उस पर 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे, अपने लेवल के लड़कों से दोस्ती रखा करें। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, हाँ मैं जानता हूँ वो मेरे लेवल का नहीं है। अच्छा फिर खाएं मेरी कसम कि आज के बाद आप उसका बिल्कुल खर्चा नहीं उठाएंगे और दोस्ती भी खत्म कर देंगे। कसम? कसम क्यों? मैं खाएं ना मेरी कसम। अच्छा चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं उस पे 1 टेडी पाई खर्च नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए दोस्ती भी खत्म कर दूंगा। अब बताओ खुश? बहुत खुश। अच्छा सुने, मैं फोन रखने लगी हूँ, शायद अब्बा उठ गए हैं, कल हम इसी वक्त बात करेंगे। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अगर देखना कि अगर अब्बा दोबारा सो जाए तो खैर छोड़ो, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सुनिए। कहिए। आई लव यू। अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? कहो। हम कहीं मुलाकात के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए। डिनर मेरे साथ? आप नहीं जाना चाहते? नहीं। अरे
क्यों नहीं चाहते? यही तो चाहते, कब से चाहते? चलेंगे चलेंगे। ठीक है, कल फिर 9 बजे नाज रेस्टोरेंट आ जाऊंगा मैं। यार एक अर्चन काम है तेरे से। बोल। तो मुझे 3,000 रुपए चाहिए। अबे मेरे पास तो। तो फिर खाए मेरी कसम कि आज के बाद उसका बिल्कुल खर्चा नहीं उठाएंगे और उससे दोस्ती भी खत्म कर देंगे। ए सलीम, ए सलीम बैठ। 3,000 रुपए, 200 रुपए की औकात दी तेरी, 3,000 रुपए मांग रहा है, मेरे 1500 पुराने वापस किए तूने? तो क्या कह रहे सलीम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पर मैं कोई यार वार नहीं हूँ तेरा, कब तक तुझे पालता रहूँ? तेरे चाय के पैसे मैं भरूँ, खाने के पैसे मैं भरूँ, तेरी बाइक पे पेट्रोल में डलवाऊँ? देख तू एहसान जता रहा है। हाँ तो एहसान किया है तो जता रहा हूँ ना, और तू मुझे आगे दिखा रहा है? मैं थूकता हूँ तेरी दोस्ती पर और मैं लानत भेजता हूँ तुझ पे और तेरी दोस्ती पे। सच में क्या? हेलो अबा राशिद। मैं राशिद। अबा 3,000 रुपए चाहिए, डॉक्टरी की किताबें लेनी है, आज रात भेज दो पैसे। और राशिद अभी तो सब दुकान बंद हो गई होंगी पुत्र, सुबह भेज देंगे। अबा सुबह नाश्ते के टाइम भेज देना वरना मास्टर घुसने नहीं देगा क्लास में। हाँ हाँ पुत्र हो जाएगा, चल तो सो जा, रब रखा। थैंक यू अबा, रब रखा। हाँ बाय। सॉरी सलीम, लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। स्वीट। ये तो बताओ तुमने मुझे इस तरह दिन दहाड़े क्यों बुलाया? सब खैरियत? बस सलीम क्या करूं, रहा नहीं गया, पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने मेरे पे। नया लिया है? कितने का होगा? ये महंगा है, 1.5 लाख का। 1.5 लाख का फोन? क्या कॉलर बाहर आ जाता है इसमें से? अरे पगले। तो मैं तो पता है ब्रांड्स का, यू नो अब तो इतने पैसे, ब्रांड्स से कम तो बात ही नहीं करती हूँ मैं। जैसे ये देखो मेरा बैग 80,000 का है। 80,000 का बैग? अच्छा छोड़ो, अपनी सुनाओ क्या चल रहा है। हाँ अरे उस राशिद का तो मैंने पूरा फोन एंड फाइनल फैसला कर लिया, पूरा हिसाब क्लियर। सद्दू डार्लिंग मुझे कुछ कहे और वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निकाल बाहर क्या उसको अपनी लाइफ से मैंने। सलीम। सद्दू। सलीम। सद्दू। आज भरोसा हो गया, तुमने अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत दे दिया मुझे, तो मेरी खातिर अपनी दोस्त को भी छोड़ सकते हो? अरे तो क्या, वो कंगला क्या है? तुम्हारी खातिर तो मैं ये पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। आई लव यू 2। आई लव यू 3। अच्छा मुझे याद आया, अब्बा ने कहा था कि जल्दी आ जाना, उन्होंने 2 बजे कहीं जाना है, बाद में मिलती हूँ, अभी जाना होगा। अरे इतनी जल्दी? तुम अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको, अभी तो तुमने मुझे कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है। अरे पगले, अब तो मिलते रहेंगे, क्या टेंशन, फिर खिलाऊंगी। अरे कुछ कैश वगैरह? वेटर एक दाल, 2 रोटी, 1 सलाद, 2 पानी की बोतल, जा। मेन्यू दिखाइएगा। कर दिया ऑर्डर मैंने। देख तो लूं मेन्यू में है क्या। हाँ भैया एक काम करना, एक बीफ स्टेक, एक हाफ कढ़ाई, और बाहर मेरे ड्राइवर बैठे हैं उनको रेशमी कबाब, 2 टिक्के, 3 रोटियां और रायता सलाद अलग से कर देना। उससे पूछ तो लो, उसे भूख लगी कि नहीं। बहुत भूख लगी है, कब से कह रहे हैं मुझे। बिल तो पता। अच्छा होता है पूछ लो। सर 2950। हाँ ठीक है, 50 बचेगा। हाँ तुम कह रही थी बहुत सारी बातें कर दी, कहा है वो बहुत सारी बातें? हाँ राशिद मुझे एक बात बताएं, आप में किस चीज की कमी है? कमी? अबा कहते थे कैल्शियम की कमी है, दूध पिया करो। मेरा मतलब है अकल की कमी है, शक्ल की कमी है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उस सलीम से तो कई दर्जे बेहतर हैं आप, पता नहीं क्यों डरते हैं उससे, जब देखो आप पे रोक जमाता रहता है, जब देखो नीचा दिखाता है। सही कह रही थी, वो है ही ऐसा, कल उसने पैसे मांगे मैंने नहीं दिए तो गालियां देने लगा, कैसा आदमी है वो? घटिया आदमी है ये। सही कह रही हूँ। बस राशिद आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप सलीम से नहीं मिलेंगे। मैं लानत भेजता हूँ उसके मुंह पे, मुझे तुम मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राशिद एक बात बताऊं, जब से आपको देखा एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है, हर तरफ आप ही आप नजर आते हैं, कहीं ये मोहब्बत तो नहीं है? पगली यही तो मोहब्बत, मुझे तो कब से है। बस राशिद सईदा आपकी थी, है और हमेशा रहेगी, आप कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? सईदा, ओ सईदा तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा,
बस तुम ये हाथ ना छोड़ना। नहीं, कभी भी नहीं। Never. राशिद, I love you. मैं भी love you. 2950. क्या दुकान बंद करके तुम पुलिस में भर्ती हो गए हो, जो जबरदस्ती इकबाल ने जुर्म करवा रहे हो। सलीम, मुझे मजबूर ना कर, इससे पहले कि मैं तुझे मारना शुरू कर दूं। अरे तो क्या अभी प्यार कर रहे हो अब्बा, छोड़ दो मेरी गर्दन यार। क्यों जवान बच्चे पर हाथ उठा रहे हो? अरे पैसों का मुझसे तो पूछ लो तुम। क्या मतलब? मैंने लिए थे 1500, कमेटी के पैसे देने थे। तुमने इस महीने के कमेटी के पैसे दिए थे मुझे? अरे तो पहले बताना था ना, मैं खामखा तेरे से परेशान हो रहा हूँ। अरे भाई मुझसे पूछते तो मैं बताती ना तुम्हें, पकड़ के जवान बच्चे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। हद हो गई भाई, जा मेरा बच्चा। मैं भी क्या करूँ, जहाँ को दो नंबर ही होती है, सीधा ध्यान इसी की तरफ जाता है। बदबख्त, हर वक्त थानेदार बने रहते हैं। तो इसे मसला ये है कि अब्बा ने दो शर्तें रखी हैं हमारी शादी करने के लिए। अगर तुम वो शर्तें पूरी करा दोगे तो अब्बा हमारी शादी करा देंगे, वरना अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से शादी करा देंगे जो ये शर्तें पूरी करेगा। क्या शर्तें हैं वो? पहली ये कि नहीं सलीम, छोड़ो, तुम नहीं पूरी कर सकोगे। चलो हमारी दोस्ती खत्म फिर, अल्लाह हाफिज। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे दोस्ती खत्म? तुम मुझे बताओ तो मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पहली शर्त ये कि तुम मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दो। अबे निकल यहाँ से। सॉरी, 10 लाख? 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? यही मैंने अब्बा से कहा था कि सलीम ये नहीं कर सकता। चलो दूसरी शर्त छोड़ो, दफा करो, अल्लाह हाफिज। अबे क्या हो गया, बात बात पे अल्लाह हाफिज? बात तो पूरी कर लो, दूसरी शर्त तो बताओ क्या है। वो कहते हैं मेरी बेटी ससुराल में नहीं अपने घर में रहेगी, और वो फ्लैट अब्बा तुम्हें शादी के दिन सलामी में देंगे। ये कितनी अच्छी शर्त है, ये तो मानी जा सकती है, लेकिन 10 लाख? इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम 10 लाख वाली शर्त पूरी नहीं कर सकते। चलो फिर दोस्ती खत्म, अल्लाह हाफिज। अरे रुको तो सही यार, बात बात पे तुम अल्लाह हाफिज कर रही हो, सोचने तो दो मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम सोच लो फिर कल तक बता देना कि तुम कर सकते हो या नहीं। हाँ अल्लाह हाफिज मत कहना, अल्लाह हाफिज मत कहना। एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, कल बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल रात को दोबारा कॉल करूंगी। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए आप मुझे और अब्बा को गलत मत समझिएगा, वो बस मेरा मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो मेरे से शादी करे ना, वो मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करा दें। अच्छा क्या, कितने? 20 लाख। 20 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? राशिद मैं बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी आपके बगैर, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आप कुछ भी करें, बस 30 लाख रुपए का इंतजाम करें। अरे नहीं नहीं सईदा, रो तो ना यार, मैं सोचता हूँ कुछ। सोचे ना, वही तो ऐसी चीज होगी जो आप बेच के 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और बाद में अब्बा के 3 करोड़ रुपए तो है ही ना। अरे यार याद आया, गाँव में अपनी जमीन है ना, वो किस दिन काम आएगी। बस जाता हूँ, गिरवी रखवाता हूँ, और बाद में 3 करोड़ में से वो पैसे दे देंगे। कैसा लगा आइडिया? जबरदस्त। तो ठीक है, मैं सुबह ही गांव जाऊंगा, 2 दिन में वापस आऊंगा पैसे लेकर। ओके, आप कितने अच्छे हैं, कितना चाहते हैं मुझे। अरे पगली रुलाएगी क्या, ऐसे तो ना क्या।
ओहो लगता है अब्बा आ गए, बाद में बात करती हूँ। आप सुबह निकल जाइएगा, जब काम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ अच्छा सुनो तो, रब रात अल्लाह हाफिज। रब रात तीन करोड़ सलाम अब्बा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अब्बा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें सलाम कर लूं। अरे साफ साफ बता दे क्या कर रहा है, किस चक्कर में आया यहाँ पे तू? अरे क्या अब्बा हर बात पे शक करते हो तुम, क्या मैं अपनी दुकान पे नहीं आ सकता? बेटा जितना मैं तुझे जानता हूँ ना, बगैर मतलब के तो तू किसी को अपना बुखार ना दे। अब साफ साफ बता क्यों आया? ये तुम नहीं बोल रहे अब्बा, ये तुम्हारी दुकान बोल रही है। 10 लाख की दुकान में बैठ के इंसान ऐसे ही मगरूर हो जाता है। क्या बोला? 10 लाख? अब क्या केस के मानो तुझे, अब क्या पागल वागल हो गया क्या? 25 लाख तो लग गए दुकान के। 25 लाख? ये कौन देगा 25 लाख? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना, क्या वो नुक्कड़ पे बैठा है ना स्टेट वाला, ताकि उससे पूछ उसी ने लगवाए। सच बताओ अब्बा? अब जाके पूछ ले, मैं क्या बताऊं। वैसे एक बात बताऊं, अब्बा ने 3 कमरों के फ्लैट का आज ही सौदा किया हमारे लिए। 50 लाख का फ्लैट है? नहीं यार वाकई? सच्ची? बस सही, जैसे ही पैसे मेरे पास आते हैं मैं फटाफट तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन लगेंगे। गुड है। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, मैं जरा फ्लैट की फाइल देखती हूँ। हमारे फ्लैट की? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, फाइल देखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो रही दुकान, दुकान की मालियत है 25 लाख रुपए, लेकिन मुझे तो सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी 1 महीने के लिए। हाँ ठीक है, चल अंदर से दिखा दुकान। अरे अब्बा बैठे मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम कुछ खरीदने के बहाने जाओ और जाके देखाओ। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ एक बात सुन ले, कागजात सारे असली चाहिए मुझे। अरे 1 नंबर असली कागजात दूंगा, तुम्हें धोखा थोड़ी दूंगा मुश्ताक भाई। और हाँ स्टाम्प पेपर पे साइन करेगा तू कि 1 महीने में पैसे वापस देगा, वरना दुकान पे कब्जा, और तू जानता है ना मुझे। अरे कसम खुदा की 1 महीने में दे दूंगा। हाँ तो फिर बस ठीक है, मैं जरा दुकान देख लूँ, शाम में फाइल ले आइयो और चेक ले जाइयो, ठीक है ना? अब्बा को मेरा ना बता देना, ठीक है? मेरा कुछ नहीं बोलना। अम्मा। हाँ बेटा। बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बे? अरे बदर आके बैठ जाओ बे, चीख नहीं सकता। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? देखो अम्मा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको जरा सुकून से सुनना है, शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। बोल भी दे क्या कह रहा है। अरे कुछ नहीं अब्बा, कोई खास बात नहीं है, तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है। हैं? क्या? हाँ, और ये घर भी छोड़ के जा रहा हूं। अरे ससुराल से फ्लैट मिल रहा है, अब मैं और मेरी बीवी फ्लैट में रहेंगे, मैं तो यहां नहीं रहूंगा। क्या पागल वागल हो गया है? क्या पके जा रहा है? अरे सिर्फ तुम्हें बता रहा था अब्बा, परेशान मत हो, आता जाता रहूंगा, लेकिन अब इस घर में तो नहीं रहूंगा। अच्छा और किससे कर रहा है तू शादी? कौन बदबख्त है जो तुझे अपनी बेटी दे रहा है? मैंने पहले कहा था गुस्सा मत करना अब्बा। कौन दे रहा है बेटी? अरे बता दूंगा, इंतजार करो। अबे तू अभी क्यों है यहाँ पर? चल यहाँ से, अभी चला जा। बेटा तू मजाक कर रहा है ना? अरे कोई मजाक नहीं कर रहा अम्मा, बस तुम्हें ये बता रहा हूँ मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, अब मैं शादी के बाद अपनी बीवी के साथ फ्लैट में रहूंगा, इस घर में तो नहीं रहूंगा। मैंने ये बात बतानी थी तुम दोनों को, अब तुम दोनों अपना अपना देख लो। हाँ? ये क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या? मैं वापस आ चुका हूँ और 20 लाख का इंतजाम भी हो गया। इतनी जल्दी? इसमें क्या था, जमीनी तो गिरवी रखनी थी,
10 दिन का टाइम लिया है, 10 दिन बाद पैसे वापस दे दूंगा, जमीन मेरी। राशिद तुम बहुत अच्छे हो, कितनी मोहब्बत करते हो मेरे से, जमीन गिरवी रखती है अपनी। अरे पगली, तुम कहो तो खुद को भी गिरवी रख। अब मैं एक खुशखबरी सुनाऊं, अब्बा ने हमारे लिए फ्लैट खरीद लिए, पूरे 50 लाख का है। 50 लाख का? जी जनाब, अब वो आपके नाम हो जाएगा सलामी वाले दिन, जिस दिन हमारा निकाह होगा। कब होगा ये निकाह? अरे निकाह पे याद आया, तुम 20 लाख तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि मैं अब्बा को बता दूँ, फिर हमारा निकाह हो सके ना। हाँ तो तुम अकाउंट नंबर दो, मैं सुबह सबसे पहला काम ही करूंगा, पैसे भेजूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, तुम फौरन सुबह ट्रांसफर कर देना। हाँ हम कहीं कल मगरिब के वक्त निकाह कर लेंगे। मुझे निकाह करना है, तुम मुझे अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेजूंगा। आराम से मेरे सरकार, भेजती हूँ, फोन तो रखो। अच्छा सुनो, रख रख, अल्लाह हाफिज। अरे ये बताओ, पैसे पहुंच गए ना तुम्हारे अकाउंट में? मैंने मुश्ताक भाई से कोई चेक वेक नहीं लिया, डायरेक्ट कैश जमा कराया ऑनलाइन तुम्हारे अकाउंट। अच्छा अब्बा से मेरी बात हो गई है, कल रात को निकाह के बाद हम फ्लैट जा रहे हैं। सत्तू डार्लिंग, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा निकाह हो रहा है। यकीन कर ले मेरे सरताज। कर लिया कर लिया कर लिया। अच्छा तो फिर कल रात को इंतजार रहेगा, घर वालों से मिलकर आइएगा, अपना सूटकेस लेकर आइएगा। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मेरी तैयारी पूरी है। अच्छा अब फोन रखिए, मुझे कल की तैयारी भी करनी है और आप भी करनी। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तू, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है नीच इंसान? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे ससुराल के बाहर? एक मिनट, तेरा ससुराल? ये तेरा नहीं, ये मेरा ससुराल है। अबे चल, तुझे क्या लगा सईदा सेट कर लेगा तू? बेटी आज मेरा निकाह। ना 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 ना, तू पागल हो गया क्या? जानी आज तेरा नहीं, आज मेरा निकाह है। तो मेरा कब होगा? अरे मुझे क्या पता तेरा निकाह कब होगा, आज मेरा निकाह है। चल बिरयानी खा के जाइए। अबे अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये अब ताला बाहर से क्यों लगा रहे? अबे जब बाहर बंदा जाएगा तो ताला भी बाहर से ही लगाएगा। जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्लेवर भाईजान। मिर्जा साहब कहाँ हैं? वो तो गए। कहाँ चले गए? दुबई। दुबई? हाँ उनकी बेटी की तो रुखसती है ना वहाँ, एक महीना पहले फोन पे निकाह हो गया था उन्हीं के भांजे के साथ, और फिर रात को उनकी कॉल आई कि हमारा वीजा आ गया, और फिर सुबह बुला लिया मुझे फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए, घर मुझे भेज चुके हैं, चाबी मुझे दे दी। अरे आप राशिद सलीम तो नहीं हो? जी जी सलीम। हाँ, मैं राशिद सलीम। उनकी बेटी मुझे ये खत थमा गई थी। अरे मेरे लिए गई? नहीं नहीं एक मिनट, दोनों के लिए है। अब फैसला करने पड़ेगा कौन? ये पड़ेगा। हाँ, ये स्कूल ही नहीं गए का पड़ेगा। हाँ, मुझे दे। अच्छा एक मिनट, ये शरीफों का मोहल्ला है, जरा साइड पे मेरे घर के आगे हुजूम ना लगाएं। जी प्लीज। क्या कह रही है? डियर राशिद और सलीम, उम्मीद है तुम दोनों अपना घर और घर वालों को छोड़कर आ चुके होंगे। तुम दोनों ने हमेशा हर लड़की की जिंदगी अजाब बनाए रखा और खास तौर पर मुझे निशाना बनाया, फिर उस पर ये कि तुमने मेरी कजन तक को ना छोड़ा। मेरा ख्याल था कि इस सबक सिखाने के बाद तुम दोनों इंसान बन जाओ, लेकिन तुम दोनों वो कुत्ते की तुम हो जो साल भी नलकी में रहने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अब तुम्हारी हालत उस कुत्ते जैसी है जो ना घर का है और ना घाट का, जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका वो किसी का सगा क्या होगा। तुम्हारी सईदा।